पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। बता दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह जा रही थी कि ट्रेन को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 5 से 6 लोगों की मौत और जबकि 20 से 25 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बता दें कि इस हादसे के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। दार्जिलिंग पुलिस के एडिशनल एसपी अभिषेक राय ने कहा कि इस घटना में अब तक 5 लोगों के मौत होने की खबर है जबकि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। स्थिति बेहद गंभीर है। ये घटना उस समय हुई जब मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। अभी थोड़ा गंभीर है, ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको टोक दिया। 3 बोगी अभी तक डिरेल्ड हुआ है, 5 फैटल्टी हुआ है, कैजुअल्टी हुआ है, 5 अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है, ठीक है, 5 का मौत हुआ है अभी तक, ठीक है। इंजर्ड हुआ है, इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल, वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने आमरा हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कहना है कि उन्हें जलपाईगुड़ी के रंगापानी में ट्रेन हादसे की खबर मिली है। हादसे के बाद भारी बारिश के बीच मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। इस घटना के बाद सियालदह स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी खोल दिए गए हैं। वहीं इस हादसे पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, दार्जिलिंग जिले के फासीबाद देवा इलाके में एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकार से मैं स्तब्ध हूं। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई है। बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। युद्ध स्तर पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर रेल हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एनएफआर जोन में बहुत दुखद हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है, रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मिलकर काम कर रही हैं, घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है, वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुँच गए हैं।